दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। दोस्तों गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है यानी हिलडुल भी नहीं पाता इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है उस समय दो यमदूत आते हैं उनका चेहरा बहुत भयानक होता है नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं उनकी आंखें बडी होती हैं उनके हाथ में दंड रहता है यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है उस समय शरीर से अंगूष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हा हाँ शब्द करता हुआ निकलता है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुख ही हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है फिर उठकर चलने लगता है इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुन प्रवेश करने की इच्छा करती है परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख-प्यास के कारण रोती है पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती इस प्रकार भूख-प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद दस दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए उस पिंडदान के प्रतिदिन चार भाग हो जाते हैं उसमें दो भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा खाता है नौवें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है दसवें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है वही यमलोक के मार्ग में शुभ फल को भोगता है पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर दूसरे दिन से गर्दन और कंधे तीसरे दिन से हृदय चौथे दिन के पिंड से पीठ पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग आठवें दिन से पैर नौवें और दसवें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है यमदूतों द्वारा तेरहवें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है यमलोक तक पहुँचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर छियासी हजार योजन है सैतालीस दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है इस प्रकार मार्ग में सोलह पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है